नहीं आप एड्रेस मैं टीम पठान सुफियान खान से हूँ। मेरे स्कूल का नाम नेहा उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल है। सिगरेट नोशी के नुकसान। सिगरेट नोशी सर से लेकर पांव तक मुतासर करता है। सिगरेट नोशी सांस वाली नालियों को मुख्तलिफ बीमारियों का बास बनता है। सिगरेट नोशी दांतों का रंग पीला कर देती है, जिससे दांतों की कुदरती चमक ख़त्म हो जाती है। यह जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा मसलन गुर्दों फेफड़ों और आंतों को नुकसान पहुंचाती है। ये खून की नालियों को तंग करती है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा होता है। जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ नेहा स्कूल की स्टूडेंट और मैं यहाँ अपनी टीम के साथ आई हूँ। और मेरी टीम का नाम है टीम पठान सफीर खान। और मैं यहाँ कह रही हूँ नशा के बारे में। नशा हमारे माशरे का एक बड़ा मसला है। नशा से ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, खानदान तबाह हो सकता है, यहाँ तक कि मौत का बास बन सकता है। हज़ारों लाखों लोग नशा की आदत होते हैं और इनमें से जेल या कैद खाने में ख़त्म हो जाते हैं। नशे से बहुत बुरी लत है। नशा हर चीज़ से दूर होनी चाहिए, जैसे सिगरेट है, जैसे मोबाइल फ़ोन से आप लोगों की आँखें दर्द होती है, वैसे ही सब कुछ है। और नशा बहुत बुरी लत है। नशा हर चीज़ से दूर रहना चाहिए, यहाँ तक के बच्चों को तक दूर रखना चाहिए। जिसके माँ बाप नशा करते हैं वो अपने बच्चों का थोड़ा देखे और अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखने को पड़ता है। उसको तो हमें मालूम पड़ता है कि नशा बहुत बुरी लत है, इसलिए तो बच्चे बोलते हैं पेरेंट्स को नशा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक के बच्चों के अच्छे बारे में सोचना अच्छी पेरेंट्स की आदत होनी चाहिए, क्योंकि नशा बहुत बुरी लत है। जैसे कलो करेंगे मैं सोफिया पठान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि नेहा स्कूल के लिए इतना वक्त निकाल के मेरे स्कूल में इतना टाइम दिए, और इसके लिए मैं बहुत कलेजिस से मैं शुक्रगुजार हूँ। पूरी टीम का सोफियान के पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह इनका जो मकसद है वो मकसद कामयाब हो और हमारे स्कूल में भी अल्लाह की दुआओं से कामयाबी हो जाए। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टीम सुफियान और नेहा स्कूल के असातिज़ा और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र एहसान है हम पर कि हमें अच्छी सीयत अता किया। अब इस सीयत को हम किस तरह से रखें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जब जितने बच्चे भी बताए नशे क्या क्या बुराइयां हैं, क्या नुकसान हैं, मोबाइल के क्या नुकसान हैं, आप शायद बहुत बगैर समात फरमाए। अब ये चीज़ को कैसा है, नशा किस चीज़ से होता है, जैसे सिगरेट है, शराब है, ड्रग्स है। ड्रग्स में कई तमाम के ड्रग्स हैं, समझो अफीम, गांजा, जो मेडिका, इसमें मैंड्रिक्स, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को उसकी अपनी सेहत से ज़्यादा पूरे माशरे को ख़राब कर लाते हैं। जो अगर ये घर में एक आदमी, एक लड़का या कोई एक फ़र्द नशे का आदी है तो उसके नुकसान क्या होते हैं। सबसे पहले तो अपनी सेहत को ख़राब करता है, जैसे आप लोगों ने बताया अभी, सेहत यहाँ तक ख़राब हो जाती है कि उसका अंत मौत तक हो जाता है। और दूसरी बात क्या होता है, जिससे वो जुड़ा हुआ है सोसाइटी में, अपने माशरे में जिससे जुड़ा हुआ है, वहाँ उसके घर वालों को, उसके वालिदैन को इस चीज़ को महसूस करना पड़ता है कि हमारा बच्चा ड्रग एडिक्ट है। सोसाइटी में उनके लिए भी परेशानी है, माशरे में उनके लिए भी नुकसानदेह है कि उनके पे उंगली उठाई जाती है। दूसरी बात, लोग इसे धुतकारना शुरू कर लाते हैं, ये आदमी ड्रग एडिक्ट है, गांजुड़ी है, जैसा आप ज़ुबान में बोलते हैं गांजुड़ी है, ये करता है। तो इस चीज़ों को कैसे ये कर रहे हैं, हमारे जैसे आप जो बैनर्स हाथ में पकड़े हुए बता रहे हैं ड्रग से दूर कैसे रहे, इसका इस्तेमाल इसका टोटली गंजे जो भी चीज़ है नशे का इस्तेमाल तो टोटली नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल नशे का इस्तेमाल क्यों, आप सोचना भी नहीं उसके बारे में कि क्या चीज़ है। जैसे एक बच्ची अभी बता रही थी मोबाइल के नुकसान के बारे में,
सही है, बिल्कुल सही है। मोबाइल का इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए, जिसका मोबाइल के अंदर जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। हम लोगों को फ़ायदों को देखना है, हमें क्या हासिल करना है, क्या है, क्या लेना है उसमें से, नेट के अंदर क्या देखना है, क्या क्या उसके अंदर इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है रोज़मर्रा के लिए, या तो फिर दुनिया भर के जो भी इन्फॉर्मेशन किस तरह से मिलते हैं उसको भी देखना समझो। उसके अलावा उसमें अलग चीज़ें भी और भी हैं समझो, जो तुम्हारे लिए नुकसान दें, किस तुम्हारे लिए किसी के लिए नुकसान दें। आप 7वीं 8वीं में बच्चे पढ़ते हैं तो आप अपने मोबाइल में क्या चाहते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, दुनिया में जो कुछ हो रहा है आप उसमें देख सकते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उसमें मिल सकती है। इसके अलावा नहीं, गाने बजाना है, दूसरे और चीज़ें हैं, उसका इस्तेमाल आपके लिए टोटली मुज़िर है, ये चीज़ें। और रही बात खासकर यहाँ पर जैसे तंबाकू का है, तंबाकू का इस्तेमाल, गुटखा का इस्तेमाल, सिगरेट का इस्तेमाल, 7वीं और 8वीं क्लास के बच्चे हैं, इन चीज़ों को महसूस भी मत करना कि चीज़ें क्या है, इसे इस्तेमाल क्या है, टेस्ट क्या है, क्या आपको इस वक्त इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा कि कई ऐसे बच्चे हैं जो ड्रग एडिक्ट होने की वजह से अपना मुस्तकबिल पूरी तरह से ख़राब कर चुके हैं, तबाह कर चुके हैं। और इनके कोई ये नहीं समझो, रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाने के बाद में इनको रिकवरी करने के लिए, जहाँ से इन्हें दोबारा इलाज करा के लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। जब तक खुद पेशेंट इस बात को महसूस नहीं करता कि मैं ये चीज़ को छोड़ूं, तब तक उसे रिकवरी होना बड़ा मुश्किल है। ये ऐसी चीज़ है, खासकर शराब और ये तंबाकू के जो नशे के आदत हैं, इसको इस्तेमाल करने से ना आपका अपना नुकसान नहीं है, पूरे सोसाइटी का नुकसान है इसमें। इसलिए कोशिश करो कि इन चीज़ों को टोटली अवॉइड किया जाए। अगर आपके नज़दीक आप छोटे बहुत छोटे बच्चे हैं, आपको इसका शायद शौर्यत भी नहीं है, अगर ऐसा मालूम होता है कि कहीं सुनी सुनाई बात है कि सर यहाँ पर ऐसा होता है वैसा, तो हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। आगे अपने असातिज़ा को बताओ, सर या बाहर कोई चीज़ ऐसी बिकती हो, जैसे पहले भी गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं कि स्कूल के प्रमाइसिस से 100 मीटर तक यहाँ में कोई पान की दुकान ना हो, अगर ऐसा है वहाँ बनती है या तो कोई आके बैठ के बेचता हो, तब भी आप पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करो क्या बेच रहा है क्या नहीं बेच रहा, आपको भी इख्तियार आते हैं, नहीं तो हमें इन्फॉर्म करो सर ऐसी दुकान लगी हुई है यहाँ पर, तो उनको हम चेक करते हैं। कम से कम ऐसी चीज़ ना बेचें कि बच्चों को आजकल के चॉकलेट में टॉफीज में तक ये जहर घुल चुका है, वहाँ से शुरुआत होती है। इसलिए क्या भी खरीदने से पहले आपके असातिज़ा परमिशन लें, वहाँ जाना है या नहीं जाना है। फिर मैं अपने तरफ से आप जो सुफियान टीम जो मुझे यहाँ बुलाई, हालांकि मैं बहुत देर से आया, मुझे 10:30 बजे टाइम दिया गया था, किसी और वजह से मैं नहीं था, माफ़ी चाहता हूँ। तो आप मैं सुफियान टीम का अपने तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप उन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे चंद अल्फाज कहने का मौका दिया, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सबसे पहले पठान सुफियान खान टीम और नेहा उर्दू प्राइमरी स्कूल को मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत अच्छा स्टेप आज लिया उन्होंने और यहाँ पर एक अच्छी सी रैली भी हुई। उसके बाद जिस तरीके से बच्चों के सवाल जवाब हुए, उसमें से मुझे एक ऐसा सवाल ये हुआ कि जो गुटखा खाते हैं या सिगरेट पीते हैं वो क्या करना चाहिए। तो आज जिस तरीके से रैली हुई या प्रोग्राम का मकसद यही है कि नशा मुक्त अभियान, नशा सिर्फ दारू गांजा या अफीम इस तरीके से नहीं होता, नशा यानी हर किस्म के नशा नशा ही होता है, जैसे कि गुटखा हो चाहे सिगरेट हो चाहे किसी भी किस्म का नशा हो वो नशा होता है। तो और भी ऐसी बात थी जो नशा जो छोड़ने के लिए क्या करना है, तो मैं तमाम ये व्यूवर्स से भी कहूँगा और स्टूडेंट से भी कहूँगा, आपके नज़दीक कोई ऐसा मामला है जो गुटखा छोड़ना चाहते हैं या सिगरेट छोड़ना चाहते हैं या दारू छोड़ना चाहते हैं, किसी किस्म से भी आपका अगर कोई बात है तो आप मुझे या सुफियान खान को कांटेक्ट करिए, आपकी काउंसलिंग अच्छे से डॉक्टर से हम फ्री में काउंसलिंग कराएंगे आपके लिए। आप खुद अगर सिगरेट या गुटखा दारू छोड़ना चाहते हैं तो हम आपके लिए जो है ना फ्री काउंसलिंग अच्छे से अच्छे प्राइवेट डॉक्टर्स के करा कर हम आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। आपके जो टैबलेट्स हैं उस जो भी अखराजात हैं इस टीम पठान सुफियान खान से की जाएगी, आप बिनफिक्र होकर आप आइए इंशाल्लाह। मैं भी साथ में हूँ पठान सुफियान खान के साथ, जो बहुत ही बोल्ड स्टेप है जिन्होंने लिया है आज यहाँ पर एक प्रोग्राम कर। इसके साथ मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ पर हमें बुलाया, कुछ बोलने का मौका दिए, शुक्रिया। और जिस तरीके से जो बच्चों को गुटखे की हो चाहे सिगरेट की तलब आदत लग रही है, उसके बाद में मालूमात हो रहे हैं, सबसे पहले हमारी गलती है, यानी कि माँ बाप की गलती है, पेरेंट्स की गलती है। जब अगर पेरेंट्स या जब घर में अपने बच्चों के हाथ से गुटखा मंगाते हैं, सिगरेट मंगाते हैं और उनके सामने कंज्यूम करते हैं, वो खाते हैं और थूकते हुए उसी तरीके से करते हैं, तो बच्चे देख कर, बच्चे माँ बाप का ही सीखते हैं, माँ बाप जो है ना एक मॉडल होते हैं बच्चों का। हमें ही चाहिए
सबसे पहले हम अपने बच्चों को बोलने से पहले हम गुटखा छोड़े, सिगरेट छोड़े। बच्चों को अगर वो हम चीज़ नहीं करते हैं तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बच्चे भी उससे दूर होंगे। जैसे कि हमारे इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि स्कूल से 100 मीटर अगर कहीं पर भी अगर इस तरीके से सिगरेट या गुटखा अगर भी मिलता है तो कंप्लेंट कर सकते हैं, पुलिस वालों से बात कर सकते हैं। चाहे कौन सा भी स्कूल हो, स्कूल्स के जो असातिज़ा हैं और स्टूडेंट्स जितने भी जो तलबा हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि अपने अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करें इस तरीके से आपके सामने अगर मामला पेश आता है तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो नशा मुक्त अभियान जो चलाया जा रहा है, इसमें सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ पठान सुफियान खान टीम का, और जो है ना मैं शुक्रगुजार हूँ महबूब अली सर का जो नेहा पब्लिक स्कूल के ओनर हैं, जो स्कूल चला रहे हैं खमर कॉलोनी में अकबरी मस्जिद के पीछे जो उर्दू मीडियम स्कूल है, इन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया हमारे सुफियान खान साहब को ये नशा मुक्त अभियान चलाने का। और नशा मुक्त अभियान जो मुसलसिल एक साल से चला रहे हैं खान साहब, मैं भी इसको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। इस नशा मुक्त अभियान का बहुत ही अच्छा असर हुआ है। जब इन्होंने शुरू किया था मैं इनसे डिस्कस किया था, इसमें दो कड़ियां हैं। पहली कड़ी तो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें स्ट्रिक्ट होने के लिए इन्होंने गुजारिश की थी, और जो है दूसरी कड़ी ये थी कि लोगों में अवेयरनेस आए। मैंने कई जगह पे ऑब्जर्वेशन किया है, पर्सनली ऑब्जर्वेशन कि हमारे गुलबर्गा कलबुर्गी एडमिनिस्ट्रेशन कई जगहों पे इस नशा मुक्त अभियान को लेकर जो है ना कई जगहों पे जो है ना नशा जो भी कर रहे हैं, जो भी जहाँ पे पॉइंट्स हैं वहाँ पे जाके स्ट्रिक्ट एक्शंस लेके वहाँ पे जो है ना उसको ख़त्म किया है। तो ये बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल इनके सुफियान पठान सुफियान टीम के लिए रहा है। और दूसरी कड़ी ये है कि लोगों में अवेयरनेस लाना। मुझे नहीं पता, इसका तो डाटा मेरे पास नहीं है कि कितने लोगों ने ये नशा मुक्त अभियान से नशा करना छोड़ा है, लेकिन फिर भी मैं इनके सपोर्ट में हूँ और मैं लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि पठान सुफियान पठान खान साहब का सपोर्ट करें। चूँकि नशा करने के बाद जो है ना लोगों को सिर्फ लोग अपने आप को बर्बाद नहीं करते बल्कि वो एक ख़तरा हैं, सोसाइटी के लिए ख़तरा हैं। तो ये मेरी गुजारिश है सभी लोगों से खान साहब का सपोर्ट करें और जो है ना इस नशा मुक्त अभियान जो प्रोटेस्ट है या फिर जो रैलीज़ हैं इनको सक्सेसफुल करके जो है ना लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करें। शुक्रिया।